नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज हम आपको ये 18 मॉडलर बोर्ड बनाना बताऊंगा। इसमें आज हम आपको बताऊंगा कि हाउस वायरिंग का जो 18 मॉडलर बोर्ड होता है उसमें हम किस तरीके से कनेक्शन करते हैं। ये देखिए आपका 18 मॉडलर का बोर्ड है, इसमें आपकी 16 स्विच और आपका ये एक सॉकेट लगा 6 एम्पियर। 16 स्विचों में हमने इसमें ये 20 एम्पियर की स्विच लगाई है, क्योंकि ये आपकी 20 एम्पियर की स्विच इसलिए लगाई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना 20 एम्पियर की स्विच लगाकर पूरा बोर्ड बनाना चाहता है तो वो इसी तरीके से कनेक्शन करेगा। ये देखिए आपकी 6 एम्पियर की सभी स्विच लगी है, इसमें भी आप इसी तरीके से कनेक्शन करेंगे। और ये देखिए इसमें तीन जो आपकी है ये भी आपकी 6 एम्पियर की लगी है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी स्विच लगाए तो भी वो इसी तरीके से कनेक्शन करेगा। इसमें हमने सभी प्रकार की स्विच ले आएंगी, कनेक्शन कुल मिलाकर इसी तरीके से किया जाता है। चलिए दोस्तों देखिए इसमें आपकी 18 मॉडलर के बोर्ड के लिए जो इसमें वायर आए हुए हैं, ये देखिए ये वायर आए हैं सभी स्विचों के लिए, ये वायर आए हैं, ये आपके बोर्ड में अभी सब लगेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम कि ये देखिए इसमें ये जम्पर डालेंगे। जम्पर डालने के लिए हम एक वायर को लेंगे, उसको हम इस तरीके से सभी वायरों को ऐसे करके छील लेंगे, इस तरीके से छील लेंगे सभी को ऐसे करके छील लेंगे। ये देखिए ये आपका स्विच के नीचे वाला टर्मिनल है, ये आपके स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है और ये आपका स्विच का नीचे वाला टर्मिनल, ये आपका स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि ये आपका स्विच का नीचे वाला, ये देखिए स्विच आपकी इस तरीके से लगती है, यहाँ पर स्विच की कंपनी का नाम लिखा होता उसको आप देख लें कि हमारा सीधा है तो सीधा लगा होगा। और ये देखिए ये जो इस समय स्विच आ रही है उसमें आप ऐसे जान जाएंगे, ये देखिए इसमें लिखा ही होता है 20 एम्पियर, तो इसको आप सीधा रख लें और इसी तरीके से आप सेट कर लें। हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी के पेंच खोल लेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट हम इनके पेंच खोल लेते हैं। दोस्तों जब तक हम इनके पेज खोल लें तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नीचे लिखा होगा सौरभ इलेक्ट्रिकल्स, उस पर आप क्लिक करेंगे तो साइड में बेल आइकन भी बनकर आ जाएगा, उस पर भी आप क्लिक कर लें। देखिए दोस्तों ये जो आपका 18 बोर्ड है, ये बोर्ड आपका स्विच इसमें 18 लगी है। और देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए स्विच को हम ये नीचे वाले स्विच के सभी नीचे वाले पर हम ये जम्पर को डाल लेंगे, इस तरीके से लूपिंग वायर को ऐसे करके डाल लेंगे, इस तरीके से देखिए हमने इसको डाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो यहाँ पर पड़ गया, अब हम एक वायर को और लेंगे, उसको हम इस तरीके से नाप के छील लेंगे और इसी से यहाँ से हम इसको ज्वाइंट मार देंगे। ये देखिए हमने इस वाले पर रखकर इसको हमने यहाँ पर ज्वाइंट मार दिया, ये देखिए इससे हमने ज्वाइंट मार दिया ऐसे करके। अब इसको हम इतना खुला नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो वायर अभी ये वाले सब लगेंगे यहाँ पर टच करेंगे तो कोई भी वायर गर्म हो सकता है, इसलिए हम इसको नाप कर ही काटे और जितना इसके स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर जाना होगा उतना ही हम इसको लगाएंगे, उसके बाद हम इसको काट देंगे इस तरीके से। अब आप ये देखिए इस पर भी पड़ गया, इस पर भी पड़ गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस वायर को भी हमने देखिए नाप लिया और इसको छील लिया, इसको भी हम ऐसे करके इस वाले स्विच में हम नीचे वाले पर लगाकर इसको भी हम अच्छे से कस देंगे। ये देखिए हमने इस पर यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगाने के बाद इसको ये देखिए स्विच के हम यहाँ पर भी नीचे वाले पर लगा देंगे, स्विच के नीचे वाले पर सभी पर हम ऐसे करके डाल देंगे, ये देखिए हमने सभी पर डाल दिया। अब आपका ये देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वायर ये आपका बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और इस वाले पे देखिए ये बढ़ रहा है, तो इसको हम कटर की मदद से ऐसे करके हम काट देंगे, ये देखिए हम काट देंगे क्योंकि निकला हुआ नहीं छोड़ेंगे, अगर ये निकला हुआ छोड़ेंगे किसी वायर में टच करेगा, न्यूट्रल वायर में टच करेगा तो ये गर्म हो सकता है, इसलिए इसको हम काट देंगे। काटने के बाद दोस्तों इसको हम सभी को अच्छे से कस देंगे। अब आप ये देख सकते हैं ये हमने सभी लूपिंग वायर को यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपका ये जो सॉकेट है इस सॉकेट पर हम यहाँ से इस स्विच का कनेक्शन करेंगे, तो इस स्विच से हम ऊपर वाले टर्मिनल पर लगाकर और इसी वायर को हम सॉकेट के एक टर्मिनल पर इस वायर को हम लगा देंगे। देखिए ये सब दोस्तों वो वायर हैं जैसे आपके ऊपर फैन हुए, रेगुलेटर हुआ, फैन हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, आपके जितने ऊपर पॉइंट होते हैं ये सब उसके वायर हैं। ये सब जो आपके वायर हैं दोस्तों ये सब वायर आपके सब 1 mm के हैं, ये आपके वायर 1 mm के हैं। ये जो आप देखिए आपका ये जो पीला वाला तार है ये आपका इन्वर्टर का तार है, इसके बाद आपके ये जो दोनों तार हैं ये आपके 2.5 mm के हैं, ये आपके न्यूट्रल फेस, इसको हम लाल वाले को फेस मानेंगे और ये आपका काला वाला न्यूट्रल है, आपका ये लाल फेस ये न्यूट्रल और ये आपका इन्वर्टर,
उसके बाद ये आपका 2.5 mm का, ये भी आपका 2.5 mm का, इन्वर्टर का आपका 1 mm का, और ये सब आपके जो पॉइंट के वायर है ये सब आपके सब 1 mm के वायर है। इनका हम कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपके ये जो सप्लाई के वायर है न्यूट्रल फेस, इनका हम कनेक्शन इस बोर्ड में आपको करके बताते हैं कहाँ करेंगे। देखिए ये आपका इसमें सॉकेट लगा है, इसमें आपका जो सॉकेट लगा है ये देखिए, इसको हम क्या करेंगे, जो आपका न्यूट्रल वाला वायर है, ये जो आपका न्यूट्रल वाला वायर है इसको हम ये सॉकेट के इस टर्मिनल पर हम लगा देंगे। ये देखिए हमने इसमें लगा दिया, और आपका ये जो फेस वाला वायर है इस वायर को हम, ये जो आप ये देखिए जम्पर आपने डाला है ये इस पर डालेंगे, या तो इस पर डाल लें या तो इस पर डाल लें, आपको जिसमें आराम आपको लगे आप ये यहां पर डाल लेते हैं इसको। ये देखिए इस लूपिंग वायर में हमने यहां पर डाल दिया, यहां पर डाल दिया ये फेस वाला, ये पूरा तीनों में स्विचों के अंदर दौड़ जाएगा, ये फेस वाला वायर आपका ये तीनों में फेस दौड़ाएगा। अब आपका ये न्यूट्रल हो गया। अब आप ये देखिए इन्वर्टर का काम क्या रहेगा, इन्वर्टर का काम आपका क्या रहेगा, अगर आप इन्वर्टर आपका लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो आप इसको टेप मार दें। इन्वर्टर का लगा हो, जैसे आप ये स्विचों को आप इन्वर्टर से करना चाहें तो ये यहाँ से हटा देंगे, ऐसे करके यहाँ हटा देंगे और इसको हम यहाँ लगा देंगे, तो ये ऊपर वाली सभी वायर आपकी इन्वर्टर से हो जाएंगी। अब आप इसको इस तरीके से सेट करेंगे कि आप जिस तरीके से एक वाई एक आप स्विच को जलाना चाहेंगे उसी हिसाब से इन पॉइंटों को हम इसमें सभी को, किसी भी वायर को एक एक करके हम ऐसे करके सभी को लगा देंगे। ये देखिए हम एक एक वायर करके इस तरीके से हम इस पर सभी को लगा देते हैं, इसके हमने सभी के कनेक्शन इसी तरीके से सभी के कनेक्शन कर लेंगे। अब आप ये देखिए दोस्तों, ये आपके सभी पॉइंट के वायर सभी हमने सभी ऊपर लगा दिए, ये देखिए पॉइंट के वायर सभी ये ऊपर लग गए, इसमें ये देखिए स्विच के सभी ऊपर लग गए। इस तरीके से इसमें दोस्तों वायरिंग की जाती है। सीधा सीधा आप एक बार फिर देखिए कि ये आपके सप्लाई के वायर आए, जो आपके बोर्ड में आए हैं लटक रहे हैं वो आपके सप्लाई के वायर है। उसके बाद ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका फेस है। फेस वायर को हम क्या करेंगे, ये आपने छील का जम्पर डाला है उसमें लगा देंगे। यहाँ पर ये वायर आप यहाँ पर लगा सकते थे, यही वायर आप यहाँ पर लगा सकते थे, क्योंकि आपका ये देखिए यहाँ पर आपका ये सब यहाँ ज्वाइंट है, आपका ये जो लूपिंग है ये आपका सब पूरे सभी स्विचों में आपका ये लाइन दौड़ा रहा है, इसलिए यहाँ लगा दिया। इन्वर्टर वाला वायर का आपका काम यह रहेगा कि इसको टेप मारकर आप बोर्ड में छोड़ देंगे। अगर आपका इन्वर्टर से कनेक्शन करना चाहते तो आप ये जितनी ऊपर वाली ये लाइन है, ये देखिए ऊपर वाली लाइन है, आप चलिए बोलिए कि हम ये वाली लाइनों को, जितनी ये आपकी स्विच है उसको हम इन्वर्टर से करेंगे, तो हम ये वाले वायर को यहाँ से निकाल देंगे। देखिए इस वाले वायर को हम यहाँ से निकाल देंगे और इसी में आपको इन्वर्टर, ये देखिए इसको हमने निकाल दिया, इसको हमने अलग कर दिया, इस वायर को हम यहाँ से अलग कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे आपने बोला हमें इन्वर्टर कनेक्शन करना है, तो ये लीजिए आप इन्वर्टर कनेक्शन करिए। इस वायर को हम घर हम इन्वर्टर वाले वायर को छील कर इसमें लगा देंगे। अब आपकी ये ऊपर वाली जितनी ये स्विच है, ये जो ऊपर वाली आपकी जितनी ये स्विच है, ये सब आपके इन्वर्टर से हो गई। इसी तरीके से दोस्तों वायरिंग की जाती। चलिए अब इसको हम आपको चेक कराते हैं, इस तरीके से आपको चेक कराते हैं, आपका ये बोर्ड पूरा वर्क करेगा अभी। ये देखिए ये आपका सॉकेट है, सॉकेट में हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने इसमें बल्ब को लगाया और ये देखिए आपका बल्ब जल रहा है। इसी तरीके से दोस्तों ये भी स्विच आपकी चालू होगी तो आपका जो पॉइंट का इसमें तार जोड़ा है वो भी आपका चलेगा, और ये जितनी भी स्विच है, ये ऊपर वाली आपकी जितनी स्विच है, आपने इन्वर्टर वाला तार इसके जम्पर वाले में ये देखिए नीचे यहाँ पर डाला है, इस जगह डाला है, देखिए ये आपका जो ये तार पड़ा है ये इन्वर्टर वाला तार पड़ा है, तो ये वाली स्विच आपकी पूरी इन्वर्टर से चलेंगी, ये वाली जो आपकी स्विच है ये पूरी लाइट से चलेगी, और ये वाला भी आपका पूरा लाइट से चलेगा। ठीक दोस्तों, इसी हिसाब से बोर्ड में वायरिंग की जाती है। आप अपने हाउस में 18 मॉडलर बोर्ड हो, 12 मॉडलर बोर्ड हो, 6 मॉडलर बोर्ड हो, 8 मॉडलर बोर्ड हो, 5 मॉडलर बोर्ड हो, आपको अगर कनेक्शन करना है तो इसी हिसाब से कनेक्शन करेंगे, इसी हिसाब से दोस्तों वायरिंग करते हैं और इसी हिसाब से फेस न्यूट्रल सब लगाते हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें और लाइट से संबंधित जानकारी को सीखते रहें।